हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, आज मैं आया हूँ यहाँ पे गोभी यानी कि कैलीफ्लावर इसके खेत में। और यहाँ पर ये जो हैं इसे हार्वेस्ट कर रहे हैं, और हार्वेस्ट करने के बाद इसे मंडी में पहुँचाएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं गोभी का खेत, और इसमें जो है तैयार हो चुकी हैं, फूल आ चुके हैं। और इसे हार्वेस्ट करने के बाद में सुबह को जो है मंडी में पहुँचा दिया जाएगा। और मैं इसको आपको नज़दीक से दिखाऊंगा, इसके फूल। और यहाँ पर जो है कई वैरायटी लगी हुई है गोभी की, ये देखिए पूरा खेत जो है ये गोभी का है। और ये बीच में क्या लगे हैं भाई, डोल तो कुछ लगा है इसमें। और देखिए दोस्तों, ये जो है खेत से काट चुके हैं, और ये इस तरह पे इसकी जड़, और इस तरह का होता है ये फूल कैलीफ्लावर का। और देखो इसके पत्ते से किस तरह तोड़े जाते हैं। और देखिए ये पत्ते टूट चुके हैं इसके, और ये इसी शेप में, जैसे ये फूल है इसी शेप में ये इसे जो है एक बड़े से बंडल में बांध दिया जाएगा। और उसके बाद जो है ये बंडल ट्रांसपोर्ट करने के बाद में मंडियों तक पहुंच जाएंगे। तो कितनी फसल गोभी की ले लो इस खेत में से? इस खेत में जी सीजन में तीन नहीं, पूरे एक साल में कितनी फसल? तीन जी। तीन पहले जो है गोभी की फसल आवे थी ना सर्दियों में। हाँ जी। तो अब तीन तीन हो जाएंगे। हाँ जी। तो इसके बाद भी गोभी लगेंगे इसमें? हाँ जी। कट फिर खेत खाली हो जाएगा जब। हाँ। तो उसके बाद भी गोभी लगेंगे इसमें? हाँ जी, गोभी लगेगी। कितने दिन की बच रही है, कब तक कट जाएगा? 15 दिन। अच्छा, 15 दिन लगातार काटेंगे इसे। हाँ। तो ये फिनिश हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा, तो कितने जने तोड़ करो इसे रोजाना? 2 या 3। कितने बजे आ जाओ तोड़ने के लिए? 4 बजे। तो एक एक करके काटना पड़े ना ये? हाँ जी। तो बहुत मेहनत लगे इसमें तो बहुत। फिर इसके पत्ते तोड़। अच्छा, ये जो पत्ते हैं ये तोड़ दिए जो, ये डाल लिए, किस काम आ गए? ये जी चारे माह आज काम। तो अभी तो यहीं पे डाल रखे ये? फिर ले जाएंगे बाद में। अच्छा, बाद में ले जाते हैं, चारे के लिए काम आ जाते हैं। देखिए ये है गोभी का फूल, और आप देख रहे हैं मई के महीने की जो गोभी है कैलीफ्लावर, उसका उत्पादन जो है किसान हमारे गाँव के जो है दक्षिण में, और गांव से लगते हुए ये खेत हैं। और इन खेतों में जो है ये सब्जियों का उत्पादन करते हैं, कई कई तरह की वैरायटी पैदा करते हैं, जैसा आपको अभी बताया अभी ने। ये जो है गोभी की फसल, इसके बाद एक और ली जाएगी, और उसके बाद जो है दिवाली के आसपास, बरसात बरसात के बाद में दिवाली के आसपास जो है तीसरी फसल ये इससे पैदा करेंगे गोभी की। और ये है गोभी का फूल। तो ये जो है गोभी इस सीजन की जो अब की है, तो ये वैरायटी उससे हटके है जो सर्दियों में होती है। हाँ जी, उससे हटके है जी। तो ये तो फिर बीज वगैरह भी महंगा आता होगा इसका? हाँ जी, 60 या 80, वो 80,000 रुपये किलो। 80,000 रुपये किलो? हाँ जी। और एक बीघे में कितना काफ़ी रहता है? 5-6 रुपये। कितने ग्राम का आता है? 10। अच्छा, 10 ग्राम का। देखिए दोस्तों, ये जो है गोभी, ये विदाउट सीजन की मई महीने की, इसका बीज काफ़ी महंगा आता है। और ये जो बता रहे हैं 60,000 से लेके 80,000 रुपये किलोग्राम तक इसका बीज होता है। और इसके बाद भी इसमें काफ़ी सारी मेहनत लगती है, छोटी छोटी पौध लगती हैं खेत में, इनकी निराई गुड़ाई खाद वगैरह सब डाले जाते हैं। उसके बाद में जो है ये आपके लिए तैयार होता है कैलीफ्लावर, जिसे आप जो है अपने किचन में रोजाना, रोजाना तो नहीं खैर कभी कभी बनाकर खाते होंगे। और ये देखिए यहाँ पर जो है खेत के ओनर हैं मेरे साथ अभी, और गोभी की जो है कटाई कर रहे हैं। कटाई करने के बाद इनके इस तरह से पत्ते तोड़ लिए जाएंगे, जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया। और उसके बाद जो है इनके बंडल यानी कि गठरियों में इन्हें पैक करके मंडी तक पहुँचाया जाता है। और गोभी के मंडी से पहुँचने तक उससे पहले क्या क्या प्रक्रिया होती है और किस तरह ये उगाई जाती है, तो मैं इनसे कुछ सवाल करूंगा। तो ये कितने महीने पहले लगाई थी अभी इस खेत में? 2 महीने पहले। 2 महीने में तैयार होगी? 2 महीने में तैयार होगी। और इससे पहले क्या क्या करा खेत में? इसके पहले इसमें निराई किया, गुड़ाई किया, दवाई डाला, और जो है पानी दिया। बीच बीच में पानी देना पड़ता है? बीच बीच में पानी देना पड़ता है, हफ्ते में एक बार, और जो है हफ्ते में 2 बार इसमें दवाई करना पड़ता है सुंडी के लिए, जो कीड़ा आ जाओ, कीड़ा आ जाओ पर उसके लिए। अच्छा। और उसके बाद इसमें जो है निराई करना,
मेहनत तो बहुत करना मेहनत बहुत है, लगभग रोजाना का काम है, निराई गुड़ाई और इधर उधर पानी डालना, खाद डालना, दवा डालना, ये सारी चीजें रोजाना खेत में करना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो जैसे यहाँ पे ये खुली है, इसमें कोई बॉर्डर नहीं और ना इसकी कोई बाड़ है, तो नुकसान का डर है कुछ इसमें? नहीं, इसको जानवर तो खाता नहीं। अच्छा, आजकल के सर्दी वाले की तो जैसे हमारे एरिया में जो है आजकल बिजार बहुत है। ना यहाँ नहीं खाता। अच्छा, इन्हें नहीं खाता? नहीं खाता, इसमें दवाई बहुत हो गई ना। अच्छा, खुशबू से खाता नहीं, वो इसलिए खाता नहीं। तो अभी ये एक एक करके काट रहे हैं आप, तो जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा और सब कुछ बंद है, तो कैसा भाव मिल रहा? भाव तो आधा हल्का मिल रहा वैसे। हाँ जी, भाव फर्क तो पड़ रहा होगा। फर्क तो शादियाँ नहीं है, ढाबे होटल बंद है, आधा फर्क, पार्टी नहीं हो रही, तो इतना कम मिल रहा है भाव? बहुत कम मिल रहा है। हाँ, तो अब की जो ये जो बराई आपका सीजन की है जो भी, इसमें तो कम रह जाएगा। हाँ, कम रह जाएगा इसमें तो। वैसे जो है भाव इस समय 40-45 का होना चाहिए वो भी। जितनी लागत इसमें आ रही है, जितनी लागत हो रही है, और विदाउट सीजन की है। हाँ, सर्दियों की तो फिर भी सब जगह पैदा हो जाए, सब जगह हो जा, इसलिए जो है इसमें भाव तो बहुत ही कम मिल रहा, मेहनत भी नहीं करनी की अब तक। अच्छा जी। हाँ, तो इसके गोभी के अलावा जो यहाँ पे है, क्या क्या होगा वो सब्जी में? आप सब्जी में भिंडी है, और क्या बोलते लौकी है। अच्छा, लौकी है, और जो है वो टिंडा है, अंडा है, सब मौका में। पिछले कितने सालों से खेती कर रहे हैं सब्जी की? कम से कम कर रहे होंगे 15 साल से, 15-20 साल से। तो काफ़ी अनुभव है सब्जी उगाने का, और ठीक ठाक चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है। चलो जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। तो देखिए, जैसा आपको अभी पहले बताया थोड़ी देर पहले, ये पन्नी जो है भर करके तैयार हो गई है, और इनमें जो है गोभियाँ ट्रांसपोर्ट की जाती है मंडी तक। तो अभी ये जो पन्नी है, इसमें कितने किलो तक आ जाती है गोभी? 20-25। अच्छा, इस रेंज में रहती है 20 और 25 किलो के? तो हर पन्नी में इतनी होती है? हाँ जी। कितनी कम भी हो जाती है जी भाई? कितनी पन्नियाँ पहुँचा देते हो रोज? रोज जी पहुँचा देते हैं 15-20 पन्नी जो है, और सर्दियों में 30-40-50। सर्दियों में ज़्यादा दूर तक बोझा? हाँ जी। अच्छा, इसमें से अभी तो हो नहीं रही गर्मी की वजह से। अच्छा, सर्दी में ज़्यादा होती है ना? अच्छा, सर्दी में ज़्यादा होती है इसलिए। तो ये जो भिंडी लगाई है बगल में खेत घुमा दिए, ये भी आपका ही है? हाँ जी। ये कितने दिन में तैयार हो जाएगा, भिंडी आने लगेगी इस पर? ये हो जाएगा जी अभी 15 दिन में। और ये जो पॉपुलर के पेड़ हैं, ये हमारे आपके हैं? ये भी कट जाएंगे तो बड़े हो रहे हैं ठीक नहीं आ रहे जी, महंगे से हो जाएगी जब कटवाओगे। और देखिए दोस्तों, ये जो दूसरे खेत के बगल में जो मैंने अभी आपको दिखाया गोभी का खेत कैलीफ्लावर, उसी के बगल में ये है दूसरी वैरायटी, और ये उससे कुछ ब्रीड है वो अलग है, और इससे ऊपर की वैरायटी है ये बता रहे हैं जैसा। और देखिए यहाँ पर इसमें एक फूल लगा हुआ है, खिल गया है एक फूल अभी, और बाकी जो है पूरी की पूरी जो फसल है ये गोभी की, इस पर अभी नहीं आए हैं फूल, उससे कुछ बाद में आएंगे, ये कुछ पछेती है खेती, और कहीं कहीं पे आ रहे हैं इस पे अभी कुछ एक पौधे जो हैं गोभी के। और ये देखिए, जैसे एक ये है पौधा और इस पर फूल आ चुका है, और बाकियों पे आप देख रहे हैं जैसा अभी नहीं आए हैं, तो कुछ दिनों बाद आएंगे। तो चलिए इसी के साथ दिखाता हूँ आपको एक और वैरायटी, और देखिए एक और वैरायटी है यहाँ पे बगल बगल खेत में ही, मैं आपको ये तीसरी वैरायटी दिखा रहा हूँ, और इस और जो है फूल अभी नहीं आए हैं, और एक महीने बाद लगभग 15 दिन से एक महीने बाद इस पर जो है फूल आएंगे, और ये भी तैयार हो जाएगी। और गोभी उगाने के लगभग एक्सपर्ट हैं ये किसान, और मैं आज इनके पास आया हूँ, और देखिए इन्होंने जो है बीच बीच में ये जो मेड़ पर हैं फूल भी उगाए गए हैं। तो ये जो फूल है पूजा में यूज करते हो, क्या होता है इनको? तो मंदिर में पूजा जाती, पूजा में भी यूज कर लेगी, दोनों चीज कर ले, पूजा में भी और मंदिर में भी। और ये देखिए गुलाब, गुलाब की वैरायटी भी इन्होंने यहाँ पे उगाई है, और ये पूजा करने के लिए है, मंदिर में भी पहुँचाए जाते हैं, और जो घर पे पूजा की जाती है उसमें भी यूज होते हैं, और बहुत अच्छी खुशबू है इनकी। और ये देखिए ये जो बीच में एक नाली है पानी चलाने के लिए खेत में, आप देख रहे होंगे मेड़, इस पर जो है टमाटर के पौधे लगाए गए हैं, और गोभी की फसल मैंने आपको दिखाई,
उसके बीच में जो है टमाटर की फसल भी लगाई गई है, मतलब कई तरह की फसल ये किसान लेते हैं। और देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, इन पर अभी छोटे छोटे आए हुए हैं, लगभग 10 दिन बाद 15 दिन बाद ये बड़े हो जाएंगे, और बड़े होकर के लाल कलर के जब भी ये हो जाएंगे तो ये पक जाएंगे। और यहाँ पर देखिए गोभी, और मैंने आपको दिखाया टमाटर, गोभी की तीन वैरायटी और एक टमाटर की। उसके अलावा यहाँ पर भिंडी भी हैं, लेकिन उन पर अभी जो है पौधों पर भिंडी नहीं लगी हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर नींबू का पेड़, ये है नींबू, और इस पर भी जो है छोटे छोटे अभी नींबू आ रहे हैं, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अभी छोटे ही हैं, अभी जो है कुछ फूल हैं, कुछ कलियां हैं, और कुछ के नींबू बन चुके हैं छोटे छोटे। और इस तरह बड़ी बड़ी पन्नियों के अंदर ये जो फूल हैं गोभी के कैलीफ्लावर्स, इन्हें पैक कर दिया जाता है। मैंने अभी आपको दिखाया थोड़ी देर पहले इनकी पैकिंग, और ये मैं जो है अभी पैक करते हुए भी आपको दिखा रहा हूँ। और 20 से 25 किलो के बीच में एक पन्नी में इतनी गोभियाँ आ जाती हैं। और ये देखिए ये जो किसान हैं काफ़ी पुराने समय से जो है ये सब्जियों का उत्पादन करते हैं, और काफ़ी अच्छी तरीके से करते हैं, काफ़ी अनुभव है इन्हें सब्जी उगाने का। और जैसा मैंने आपको बता रखा है कि हमारे जो क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं वो गन्ना और गेहूं हैं, लेकिन कुछ कुछ किसान जो हैं वो सब्जियों का उत्पादन करते हैं और उन्हें काफ़ी अनुभव भी होता है। और इस तरह से यहाँ पे ये बहुत अच्छा उत्पादन कर रहे हैं गोभियों का, मैंने बताया आपको दो दो तीन तीन वैरायटी जो है यहाँ पर उगा रहे हैं ये, और ज़्यादातर जो है ये जैविक खेती ही करते हैं, जैविक तरीके से सब्जियाँ उगाते हैं, ज़्यादा केमिकल या पेस्टिसाइड्स जो है उसका उपयोग नहीं करते हैं।